अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अब हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूसेस। जो हमने टॉपिक डिस्कस किया हुआ था फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, इस पे अब हम एमसीक्यूस डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूस डिस्कस करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये लेक्चर सुन लें, उसके बाद ही ये एमसीक्यूस सॉल्व करें। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है दी ट्रम बेस मीन्स। जैसे हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन में देखा था कि हम बियासिंग कहते हैं डायोड को किसी वोल्टेज से कनेक्ट करने को। तो जब हम डायोड को वोल्टेज देते हैं तो हम इस प्रोसेस को बियासिंग कहते हैं या बियास कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर टू द प्रोसेस बाय विच पोटेंशियल बैरियर ऑफ डिप्लेशन रीजन कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। ये पास पेपर का क्वेश्चन है। तो वो प्रोसेस जिसमें पोटेंशियल बैरियर डिप्लेशन रीजन का हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकें तो उसको भी बियासिंग कहते हैं, क्योंकि अगर फॉरवर्ड बियासिंग होगा तो पोटेंशियल डिप्लेशन रीजन का जो पोटेंशियल बैरियर है वो डिक्रीज हो जाएगा, और अगर रिवर्स बियास होगा तो इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको बियासिंग कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री। व्हेन एन एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई टू द जंक्शन इन सच अ डायरेक्शन डेट इट कैंसिल द पोटेंशियल बैरियर दस परमिटिंग करंट फ्लो इज नोन एज। तो ये लम्प्स में क्वेश्चन आ चुका है, और आप अगर थ्योरेटिकल डिस्कशन देखेंगे तो उसमें मैंने डेफिनेशन बताई है। अब इसमें लिखा हुआ है कि हम बैरियर को कैंसिल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, और फॉरवर्ड बायस की दूसरी एप्लीकेशन भी है, देखें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये फॉरवर्ड बायसिंग होगी। तो इसका ऑप्शन होगा ए। अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर फोर पे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर फोर है व्हेन अ डायोड इज़ फॉरवर्ड बायस। जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो क्या होता है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वीक। तो बिल्कुल सही है, फील्ड वीक हो जाती है जंक्शन की। बैरियर इज़ एलिमिनेटेड, बैरियर ख़त्म हो जाता है, सही बात है। परमिटिंग द फ्लो ऑफ करंट, करंट फ्लो होने लगता है, सही बात है। रेजिस्टेंस बिकम स्लो, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये फॉरवर्ड बायस की हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। व्हेन द डायोड इज़ रिवर्स बायस, जब डायोड रिवर्स बायस होता है। अच्छा एक बात आप सुन लें, ये एम सी क्यूज डिस्कस करने का ये मतलब होता है कि आपकी जो थ्योरेटिकल डिस्कशन आपने लिया वो आपका एकदम से रिवाइज हो जाएगा, और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो पास पेपर्स के होंगे, तो आप इन क्वेश्चन को ऐसे ईजी ना समझें। मतलब कहने का ये है ये आपको तब आसान लगेंगे जब आप लेक्चर अटेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव व्हेन डायोड इज़ रिवर्स बायस, जब डायोड रिवर्स बायस होगा तो क्या होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रेंथेंड। बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड और बैरियर की फील्ड आपस में ऐड हो जाएगी। बैरियर हाइट इज़ इंक्रीज, ये भी सही है, बैरियर बढ़ जाएगा। प्रिवेंट द फ्लो ऑफ करंट, करंट फ्लो नहीं होगा, बिल्कुल सही है। रेजिस्टेंस बिकम्स हाई, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका भी टी होगा। अच्छा अब ये क्वेश्चन भी है जो पास पेपर में आया है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अब हम समझने की कोशिश करेंगे, केयरफुली हम इसको रीड करेंगे। पहले टू स्टूडेंट एक्स एंड वाई कनेक्ट अ डायोड इन सीरीज विद अ बैटरी एंड अ मल्टी एमीटर। मल्टी एमीटर वो है जो करंट को मेजर करता है। व्हेन एक्स परफॉर्म्स द एक्सपेरिमेंट ही गेट्स ज़ीरो रीडिंग, जब एक्स ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसको ज़ीरो रीडिंग मिली। इसका मतलब है सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा था। तो एक्स के केस में सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा था। वाई गेट्स द डिज़ायर्ड हाफ स्केल डिफ्लेक्शन ऑन हर एमीटर, जबकि दूसरे स्टूडेंट ने जो किया उसको डिफ्लेक्शन मिल गई। यानी एक्स वाले केस में करंट फ्लो नहीं हो रहा था, वाई वाले में करंट फ्लो हो रहा था,
इफ बोथ आर आइडेंटिकल इक्विपमेंट्स मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर द डिफरेंसेस। तो डिफरेंस क्या हो सकता है? तो हम कह सकते हैं कि भाई एक्स ने, एक्स के केस में करंट फ्लो नहीं हो रहा था तो एक्स ने डायोड को रिवर्स बायस कनेक्ट किया होगा, और वाई के केस में करंट फ्लो हो रहा था तो वाई ने फॉरवर्ड बायस किया होगा। एक्स हैज रिवर्स कनेक्शन टू एमीटर, सही है। वाई हैज रिवर्स, वाई के पास रिवर्स नहीं है क्योंकि वाई में करंट फ्लो हो रहा था। वाई हैज रिवर्स कनेक्शन टू बैटरी, और एक्स हैज रिवर्स कनेक्शन टू द बैटरी। तो अब हम देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। एक्स हैज रिवर्स कनेक्शन टू मिली एमीटर, मिली एमीटर के साथ नहीं होगा। वाई हैज रिवर्स कनेक्शन टू मिली एमीटर के साथ कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हम बात करेंगे वाई हैज रिवर्स कनेक्शन टू बैटरी, क्योंकि बैटरी होती है जो डायोड को फॉरवर्ड बायस भी कर सकती है, रिवर्स भी कर सकती है। वाई हैज रिवर्स बायस, तो वाई के पास रिवर्स बायस नहीं होगा क्योंकि उसमें करंट फ्लो हो रहा था, तो हम कहेंगे एक्स के पास रिवर्स होगा, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी होगा। और फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस के लिए क्या होना चाहिए? पी कनेक्टेड होना चाहिए पॉजिटिव के साथ और एन कनेक्टेड होना चाहिए नेगेटिव के साथ। तो यहाँ लिखा हुआ है पी शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव व्हाइल एन शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो इसका ऑप्शन बी होगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फॉर फॉरवर्ड बायसिंग इज स्टेट इन विच अप्लाइड वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस में अप्लाइड वोल्टेज क्या करेगी? बैरियर पोटेंशियल को कैंसिल करेगी, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी। फिर क्वेश्चन नंबर 9, रिवर्स बायस अप्लाइड टू अ जंक्शन डायोड इंक्रीजेस द माइनॉरिटी कैरियर, नहीं ये तो नहीं होता है। लोअर द पोटेंशियल बैरियर, लोअर नहीं होगा। रेजेस द पोटेंशियल बैरियर, तो इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस देन, जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो क्या होगा? बोथ द डिप्लेशन रीजन एंड बैरियर हाइट्स आर रिड्यूस, तो ये सही है, दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपने देखा कि ये हमारे एमसीक्यूज हो गए बायसिंग के ऊपर। तो फिर इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ